अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ इंडोर पिक्चर्स को रीटचिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि ये पिक्चर है, ये ब्लैक कलर के बैकड्रॉप के ऊपर क्लिक की गई है, ठीक है। तो काफी ज्यादा मैंने दो तीन वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रे कलर का बैकड्रॉप, तो उसका बैकड्रॉप चेंज करना है, ठीक है, उसके अंदर रीटचिंग करनी। तो आज की जो हमारी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अंदर छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो पहले जो मैंने आपको ग्रे कलर के बैकड्रॉप के ऊपर पिक्चर एडिटिंग करना सिखाया था, तो देन आज की जो हमारी पिक्चर है वो ब्लैक कलर के बैकड्रॉप के ऊपर क्लिक की गई है, तो इसके ऊपर हम नेचुरली रीटचिंग करेंगे, गुड कलर गाइडिंग करेंगे। कहने का मतलब पिक्चर को खूबसूरत बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो इंशाल्लाह नेचुरली वर्क करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ऑल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं अपने सब्जेक्ट को अडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मेरा अडोब फोटोशॉप आ चुका है, ठीक है। यहां पर ये मेरा सब्जेक्ट है, इसे मैं अपने अडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी फेस की फिनिशिंग करेंगे, ठीक है, नेचुरली रीटचिंग करेंगे। तो मिक्सर टूल ब्रश से इसकी रीटचिंग करेंगे, ठीक है, इसके हेयर सेट करेंगे, इसके अंदर कलर गाइडिंग करेंगे। आप ड्यूअल लाइट के अंदर जो शूट की गई होती है, जैसे कि ये लो लाइट पिक्चर है, लो लाइट से मुराद एक साइड पर लाइट है, एक साइड पर डार्कनेस है, ठीक है। तो इसे किस तरह रीटच करते हैं, इसके ऊपर वर्क किस तरह करते हैं, ब्लैक कलर का बैकड्रॉप है, इसे किस तरह एडजस्ट करके इस पिक्चर को खूबसूरत करेंगे। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्पॉट ड्रिल टूल से इसके फेस के ऊपर से या इसके जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट है, उसे उठा लेंगे, ठीक है। ये स्पॉट ड्रिल टूल मैंने ले लिया, तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, इसे मैं जो है ओपन कर लूंगा, ठीक है, यानी कि उठा लूंगा, इधर से रेज कर लूंगा। तो ये देखिए, हमारे ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहां से भी, ये देखिए। तो इंशाल्लाह आप ये चीज यूज करेंगे, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर इन्फिनिटी कलर पैनल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो देन आप भाइयों को सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, स्पॉट ड्रिल टूल से मैंने इसके फेस के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं वो क्लियर कर लिए, ठीक है। तो अब जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, ठीक है। शॉर्ट करने का मकसद ये है कि शॉर्ट करूंगा, इसके फेस के ऊपर शाइन आएगी, शाइन आएगी, फिर इसकी रीटचिंग करूंगा, फेस के ऊपर शाइन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पिक्चर के ऊपर गुड लुकिंग जो है पिक्चर हमारे सामने शो होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर हाई पास यूज करूंगा, फिल्टर अदर हाई पास, ठीक है। तो हाई पास जो है मैं अपनी पिक्चर के लिहाज से 1.1 पर रख के यहां पर ओके कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्मल पर क्लिक करूंगा, यहां पर वीविड लाइट के ऊपर क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अगर लर्न लाइट पर करेंगे तो ये ज्यादा शार्प हो जाएगी, ठीक है। तो वीविड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये आप लोगों के इसकी शार्पनेस भी शो करवा देता हूं, देखें इसे मिनिमाइज कर रहा हूं, तो ये देखें, तो शार्पनेस कहां पर शो होगी, जैसे कि ये हेयर है, ठीक है, ये जगह पर हमें पता चलेगा हमारा हाई पास लगा है कि नहीं। ये देखें, ये हाई पास नहीं लगा, ये थोड़ा सा मध्यम आ रहा है, ठीक है। अगर हाई पास इधर से ऑन करूंगा, ये देखें हमारी पिक्चर जो है शार्प शो हो रही है, ठीक है। आप जितनी शार्पनेस चाहते होंगे उतनी ज्यादा आप हाई पास के पॉइंट जो है अबव कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये शार्प होगी। इन दोनों लहरों को एक करने के लिए मर्च विजिबल करूंगा, ठीक है। ये हमारी पिक्चर जो है मर्च विजिबल हो गई है, ठीक है। तो अब जो है इसे मिक्सर टूल ब्रश की मदद से इसे जो है मैं पिक्चर को रीटच करूंगा, ठीक है। तो देन वीडियो को एंड तक जरूर वॉच। तो गाइस, मिक्सर टूल ब्रश से इसकी स्किन की रीटचिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे जूम करके, जितना जूम करके आप रीटच करेंगे उतनी अच्छी आपकी पिक्चर जो है एडिटिंग होगी, ठीक है। तो पहले हमने शार्पनेस कर ली है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने कितना स्मूथली वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आप इजी वे इसी तरीके से आप इसे यूज करें तो इंशाल्लाह आप भी स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्मार्ट स्मार्ट से टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ये तो भाइयों को पता है कि स्किन की रीटचिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। तो बाद में उनको ये चीज नहीं पता कि चीज के बाद यूज क्या करते हैं जिससे स्किन और भी ज्यादा स्मूथनेस हो जाती है, और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से स्किन को नेचुरली कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ ये भी आस्ता आस्ता ट्रिप शेयर कर रहा हूँ। तो देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। तो देन ये देखें, आप लोगों के सामने इसकी स्किन की जो है हम रीटचिंग कर रहे हैं नेचुरली, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक स्मार्ट सी टिप बताऊंगा जिससे आप अपने स्किन को और भी ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और शाइन वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्सपोजर X5 के अंदर इसे किस तरह, यानी कि
इसके अंदर इसकी फेस की लुक के लिहाज से आप फिल्टर क्रिएट कर सकती हैं। तो देन इसके साथ आप खूबसूरत पिक्चर्स को आप एक्सपोजर X5 और कैमरा फिल्टर की मदद से इससे जो है रीटच करेंगे इस पिक्चर को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो इतना ज्यादा टाइम निकाल के स्पेशली आप भाइयों के लिए वीडियो बनाते हो, तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो का एंड तक जरूर वॉच किया करें, ठीक है। तो ये देखें, इसे मैं जो है इधर से इसके आईब्रो को भी ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो आप गौर से देखा करें, कहने का मतलब है कि आपने रीटचिंग करनी होती है, रीटचिंग तो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फेस के ऊपर छोटी छोटी सी लुकिंग वाली चीजें होती है उनको भी क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि भाई के आईब्रो के हेयर जो थे थोड़े से ज्यादा थे, इसे मैंने मिक्सर टूल ब्रश से रेज करके इसे प्रॉपरली इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आप नोटिस में रख के इन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वर्क काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये देखें, मैं इधर से जो है इसके नोज के ऊपर से भी क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी इजी वे सा स्टेप है, तो इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करें, ठीक है। तो मिक्सर टूल ब्रश की सेटिंग जो मैंने रखी है 22 इसका वेट है, ठीक है। लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 19 है, ठीक है। फ्लो इसका 100 है, ठीक है। तो ये सेटिंग आप रख के इसको इस पिक्चर्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। मैं इसको जो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को ये शेयर करूंगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप इजीली इसे भी डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। तो ये लो लाइट पिक्चर है, लो लाइट कहने का मतलब एक साइड पर लाइट है, एक साइड पर लो लाइट है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने ये चीज शो हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम इस जगह को भी साफ करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। ये तो बैकड्रॉप ब्लैक है, तो ब्लैक कलर के बैकड्रॉप के ऊपर किस तरह की रिटचिंग करती है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर फैंसी जो शूटिंग जो एडिटिंग होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये देखें, इसके कान को भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देन आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, आप फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, कसम से आप लोग सपोर्ट करते रहें तो मुझे इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर कर लेता हूँ निक को भी, ठीक है। तो फ्रेंड ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप गौर से इस चीज को करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे, आप लोग जरूर अच्छी एडिटिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो जितना जूम करके आप पिक्चर्स को एडिटिंग करें इंशाल्लाह आपका वर्क उतना ही ज्यादा प्यारा होगा, ठीक है। तो आप ये मत कोशिश किया करें कि आपके एक दो मिनट के अंदर पिक्चर रेडी हो जाए, पिक्चर के ऊपर मैक्सिमम आप 20 मिनट या 25 मिनट ऑलमोस्ट जरूर लगाया करें, क्योंकि उससे जो है आपकी पिक्चर और भी ज्यादा बेटर देन हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हैंड को भी थोड़ा सा फिनिशिंग कर रहा हूँ मैं, तो देन यहाँ से भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखें, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप फोकस में रख के इन चीजों को क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर और भी ज्यादा कवर होगी और भी ज्यादा बेटर देन होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो क्रिएट करनी है मैंने, ठीक है। देन आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, 100 से अबव जो मैंने वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। तो ये देखें, हमारी स्किन की रीटचिंग हो गई हुई है, आप जो है इसे कैमरा के अंदर लेके जाऊंगा, कैमरा फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, कैमरा फिल्टर के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है उधर से इसको मैं थोड़ा सा येलो करूंगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है। यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा लो करूंगा, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करूंगा, शेडो को थोड़ा सा तेज करूंगा, ठीक है। और बाद में इसके अंदर व्हाइटिंग को थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है। तो ये देखें, इससे थोड़ा सा ज्यादा किया, ठीक है। अब जो है मेन बात आती है ऑरेंज कलर की, ठीक है। ऑरेंज कलर से आप अपनी स्किन को व्हाइट भी कर सकते हो, ठीक है, स्किन को ज्यादा गोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, येलो कलर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो है पिक्चर को अपनी लिहाज से सेट करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कलर गाइडिंग करता हूँ वही कलर गाइडिंग आप लोग करें, ठीक है। तो कलर गाइडिंग जो है, आप कलर गाइडिंग को समझे इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। मेन इनके अंदर यही मेथड होते हैं कलर गाइडिंग के, ठीक है। जो अपना इंसान अपने कलर गाइडिंग की कॉम्बिनेशन को जान जाए, जो उसको क्लियर करना पहचान जाए, तो इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होता है, ठीक है। तो कलर गाइडिंग मेन मेथड होता है, कलर गाइडिंग के ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियो क्रिएट की है, तो इंशाल्लाह मेरा वीडियो चैनल जो है विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा चीजें जो है आपके मतलब की मिलेंगी, ठीक है। एफएक्स लगाता हूँ, एफएक्स के बाद मिड पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से भी कलर गाइडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ा करता हूँ इसको थोड़ा सा तेज, इससे थोड़ा सा येलो की तरफ, इससे थोड़ा सा तेज, ठीक है। और बाद में ये जो है हाईलाइट की जो कलर गाइडिंग, हाईलाइट आप किस तरह का रखना चाहते हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट इंक्रीज हो रही है उसे आप किसी भी कलर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक्सपोजर X5 की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। उसके बाद उसके प्रिंट फाइल आप लोगों के साथ शेयर किए, अब वही प्रिंट फाइल मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस पिक्चर्स के ऊपर इस पिक्चर्स की लुक लेके आऊंगा, ठीक है। तो देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी पिक्चर इस तरह की होगी। अब जो एक्सपोजर X5 के अंदर जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को प्रेस फाइल शेयर की थी, उन प्रेस में से एक प्रेस फाइल सेट करके उसके ऊपर एडजस्टमेंट करके इसे जो है गुड लुकिंग करना है, ठीक है। देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो क्रिएट करता रहेंगे। तो गाइस हमारे सामने एक्सपोजर X5 आ चुका है, ठीक है। तो एक्सपोजर X5 के अंदर जो मैंने आपके साथ फिल्टर शेयर किए थे वो ये फिल्टर थे, ठीक है। तो ये देखे कितनी अच्छी ग्रेस आ रही है पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ से शो करवा दूं, ये देखें ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मैं ये फिल्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो भी आप गौर से देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या सेटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये 50 से अबव जो काम है, जैसे हम कैमरा फिल्टर के अंदर करते हैं, इसी तरह एक्सपोजर X5 के अंदर भी हम इसी तरह ही वर्क करेंगे। एक्सपोजर है, कंट्रास्ट है, हाई पास है, शेडो है, वाइटिंग है, ब्लैक है, ग्रेविटी है, वाइब्रेंस है। तो ये चीजें होती हैं जो आप कैमरा के अंदर भी यूज करते रहे हैं और एक्सपोजर X5 के अंदर भी ये चीजें डाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा तेज करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। शेडो को भी थोड़ा सा तेज करता हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। ग्रेविटी को थोड़ा सा तेज करता हूँ क्योंकि इसके फेस के ऊपर जो है शाइन आए, ठीक है। तो ग्रेविटी से फेस के ऊपर शाइन आती है, तो इंशाल्लाह ग्रेविटी जो है एक ऐसी चीज है जो आपको बदल ही देती है, आपका जमीन और आसमान को काफी ज्यादा चेंज कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं कूलिंग फिल्टर जो है ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कूलिंग फिल्टर से ये है कि जो पीछे से ये देखे स्किन जो है हमारी जो है और भी ज्यादा नेचुरली होने लग पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टम है, कस्टम पर आप बूस्ट ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के सामने ये देखें डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूंगा। तो ये देखें कितना अच्छा फिल्टर जो आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो हूँ ये देखें कितना गुड लुकिंग जो है फिल्टर क्रिएट हुआ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैं नेचुरली रहने दूंगा, ठीक है। नेचुरल से पिक्चर जो है और भी ज्यादा बेटर देन होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें येलो है, येलो को फुली रहने देते हैं, ठीक है। ये भी ओके, कस्टम पर भी ओके है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें आप अपने हाईलाइट को किस तरह क्रॉप वाइट, ये देखें किस तरह के आप एक्शन जो है फिल्टर अपनी पिक्चर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो लट्स फाइल, लट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लट्स भी इसके अंदर ये देखिए ऑरेंज कलर है, ठीक है। ये देखें स्किन के, तो ये देखें ये हमने ये रखा है सिग्नेचर स्किन जो है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम एक लाइट ऐड करेंगे, ठीक है। लाइट ऐड इस तरह की करेंगे कि जिस तरह हमारे पिक्चर जो है रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो वो चीज जो है मैं आप लोगों के साथ शो करना चाहता हूं। तो गाइस पिक्चर्स के अंदर लाइट इस तरह की क्रिएट करनी है, जैसे कि मेरी ये पिक्चर जो है एक साइड पर जो है डार्क, एक साइड पर लाइट है। तो इस तरह की लाइट जो है मैं इंक्रीज करूंगा, जैसे कि हमारी पिक्चर जो है रियलिस्टिक लगे, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा लो कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, अब इसे थोड़ा सा तेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की पिक्चर लग रही है, एक साइड पर लाइट आ रही है, वो स्किन के ऊपर लाइट इंक्रीज हो रही है, दूसरी साइड पर लाइट नहीं है, वो डार्क है, तो उधर लाइट नहीं हमने डालनी, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी पिक्चर के अंदर रियलिस्टिक लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाते हैं, फोकस है, फोकस जो है 25 पर है, तो देन इसे जो ग्रेन को ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पिक्चर जो है काफी अच्छी सी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देन इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूंगा। देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए आप लोगों के सामने जो है हमारी पिक्चर जो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट ये थी अब ये कर दी आप लोगों के सामने कितनी अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से स्किन को रिटच किया, इसके ऊपर फिल्टर क्रिएट किया, ठीक है। तो अब जो इसके आइज के ऊपर थोड़ा काम करूंगा, डोजेस टूल के जरिए से आप इसे जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं शेडो करता हूँ, तो यहाँ पर इसे आस्ता आस्ता स्लाइड करूंगा, ठीक है। ये देखें ऊपर वाली राउंड वाली साइड पर इसे इजिली यहाँ पर ऐसे करूंगा, तो इनशाला इससे भी आपकी आइज जो और भी ज्यादा शाइन वाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है ये देखिए इसके अंदर लाइट थोड़ी सी और ज्यादा तेज कर लें,
तो ये देखिए हमारे सामने पिक्चर्स कितनी अच्छी जो है एडिट हुई है, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप भी अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकती है। तो देन इसके ऊपर थोड़ा सा टैटू ऐड करता, टैटू कहने का मतलब है हैंड के ऊपर यहाँ पर टैटू ऐड करता, ठीक है, या फिंगर्स के ऊपर छोटा सा लहाई वाला कुछ भी इंग्लिश की राइटिंग वाला यहाँ पर टैटू बना होता है, उससे जो है यहाँ पर फाउंट इंक्रेज करके यहाँ पर टैटू ऐड कर देता, ठीक है, तो ऊपर थोड़ी सी राइटिंग कर देते तो हमारी पिक्चर खूबसूरत क्या काफी ज्यादा बेटर देन होगी, ठीक है। बिफोर आफ्टर आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, ये देखे बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो जो इसकी ओरिजिनल पिक्चर है वो ये, इसे जो है मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है जो मैंने आप लोगों के सामने, ये पिक्चर के ऊपर वर्क करके आपको इस तरह की पिक्चर जो है रियलिस्टिक बना के दिखाई है। ये देखें, ये देखें, ये फिल्टर वाली पिक्चर है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर, देन ये देखें, ये देखें आप लोगों के सामने कितनी अच्छी जो है मैंने पिक्चर जो है इंक्रीज की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहेंगे, मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे से वीडियो क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।